matapos mapadayo sa Russia at bansang Japan. Sumunod na pagdayo sa labas ng bansa, sa India naman bumiyahe ang matigas na boksingero na si Glenn Interina at doon niya kinasahan ang papasikat na boksingero ng India na si Rajesh Kumar. May kartada itong si Kumar na 8 panalo at wala pang talo. Nakataya sa laban ang WBC Youth World Lightweight title. Mukabla dekhne ko milega. Isse pehle ke mukable ki agar hum baat kare to Vikas Singh ne us mukable ko jeeta tha. Bharatiya mukkebaaz ne Asian title unhone jeeta. Ab World Youth title ki baat hai. बहुत ही सुंदर प्रहार, 1-1 की गेम, आगे बढ़ते हुए मगर प्रत्युत्तर देते हुए फिलिस्पीन के मुक्केबाज 16 मुकाबले खेले हैं, 12 नॉकआउट से जीते हैं, तो फिलिस्पीन के मुक्केबाज के पास भी अनुभव बहुत अच्छा है। राशिद, तारीफ करनी होगी यहां पर दोनों ही मुक्केबाजों की। 16 मुकाबले खेले हैं फिलिस्पीन के मुक्केबाज ने, 16 में से 12 नॉकआउट से जीते हैं। बहुत बड़ी चुनौती है भारतीय मुक्केबाज राके, खतरनाक किस्म के मुक्केबाज हैं और देखिए कि उम्र है, और जैसा कि संजीव ने मेंशन किया कि पिछले इतने सारे मुकाबलों के उनको हराने वाला कोई पैदा नहीं, तो एक बड़ा डिफेंस के अपने तरीके पर बने हुए हैं, तो क्या यहां पर अपने ओपोनेंट की एनर्जी को वेस्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं पूरी तरह से शैल में मुद्रा, और इसी में से चाहते हैं कुछ अंक करा। बड़ी चीज राशिद, यहाँ पर आपको अपने माइंड में कुछ समझना होगा, आप दिशाहीन लक्ष्यहीन प्रहार नहीं कर, फोर्स व्यर्थ हो रही है, तो यहाँ पर आपको मुक्केबाज के जरिए, लेकिन फिलहाल तो फिलीपींस के मुक्केबाज पूरी तरह से हावी नहीं उनके इस आक्रमण का। ओ, बहुत ही जबरदस्त गति, रफ्तार और आक्रमण का एक हुआ। सबसे बड़ी चीज यहां पर साफ दिख रही है, दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे को नॉकआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पूरी ताकत के साथ प्रहार कर रहे हैं, तो वहां पर से आपको अगले चक्र में प्रहार कर रहे हैं, तो ये में शक्ति की अगर हम बात करें तो दोनों ही ओर से बहुत अच्छी तकनीक और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ इस फाइट के लिए उतरे हैं। अभी तक तो भारी यहां पर फिलीपींस के मुक्केबाज, उनका आक्रमण तो बेहतर है। शुरुआती दौर जरूरी संजीव की, भारतीय मुक्केबाज जल्द से जल्द कुछ अंक अपने खाते में दर्ज कराएं। बहुत अच्छा तरीका है, शेल गार्ड से आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और पढ़ना चाह फिलिस्पीन के मुक्केबाज ने वहीं पर उन्होंने कंटिन्यू चार हुक्का पर अंक तो जरूर दिए होंगे। कोशिश एक दूसरे को समझने का प्रयास, पास के जरिए, और यहां पर अब धराशायी करने की कोशिश, बरसात मुक्कों की। बिल्कुल राशिद, यहां पर सबसे बड़ी चीज लगातार मुक्केबाज जब प्रहार करे तो टाइमिंग पंच टेक्निक से, और मेरा ऐसा अनुमान कि ये फाइट संभवतः फिलीपींस के प्रहारों को टारगेट पे ही नहीं लगने दे रहे, वो सारे प्रहार वो ग्लव्स पर ले रहे हैं, तो यहां पर भारतीय मुक्केबाज के जित प्रयोग किया वही काउंटर अटैक किया, काउंटर अटैक के साथ फिर शेल स्टेप बैक लेके, और यहां पर एक बार फिर से कोशिश में भारतीय मुक्केबाज, और ये मुकाबला चलता हुआ बहुत ही सुंदर रोमांचकारी मुकाबला है। शेल गार्ड रखकर यहां पर रोप की ओर फंसा दिया है, रोप पर झूलने पर मजबूर कर दिया है फिलिस्पीन के मुक्केबाज को भारतीय मुक्केबाज ने, लगातार प्रयासरत हैं, मगर यहां पर थोड़ा सा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, तो ये जोखिम आपके लिए बहुत जरूरी है। जब राशिद कोई मुक्केबाज प्रहार करने आता है तो स्वाभाविक है उसको जोखिम भी उठाना पड़ेगा, वही यहां पर भारतीय मुक्केबाज ने गंदी को रोप की तरफ ले गए, रोप पे झूलने पर मजबूर कर दिया, पूरी तरह से प्रहार पर एक और बांध की उसके देखने को मिलती हुई फिर से। आप देख रहे हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यूथ टाइटल के लिए होने वाला यह मुकाबला, भारतीय मुक्केबाज राजेश कुमार फिलीपींस के ग्लेन के बीच मुकाबले, बल्कि इस राउंड की समाप्ति राउंड के बाद। ओ, भारतीय मुक्केबाज फिर से कुछ अंक भारत के पक्ष में, और कुछ खाते हुए भारतीय मुक्केबाज, दोनों तरफ से बेहतर मुक्कों की बरसात होती हुई।
करते हैं अपने ओपोनेंट को। हाँ तो सफर तो बहुत लंबा है अंतर्राष्ट्रीय प्रो बॉक्सिंग के अंदर भारतीय मुक्केबाज का, और फिलीपींस ने जिक्र किया था कि 10 इंड्योरेंस का यहां पर इम्तिहान होता हुआ यहां पर आमंत्रण देते हुए अपने ओपोनेंट को, और ये थी उनकी रणनीति अंततः। ओ बे इंतहा खूबसूरत, मार्वलस, बेहतरीन मुक्केबाजी का प्रदर्शन, दिल जीत लिया भारतीय मुक्केबाज ने। जिस रणनीति के लिए गए थे आखिरकार वो उनकी कारगर साबित हुई, आते हुए बरसात कर दी अपने ओपोनेंट पर। भारतीय मुक्केबाज फिर से वहीं से शुरू करते हुए जहां पर राउंड समाप्त किया था। राजेश कुमार को बेहतर खेल तो है ही, और उसके साथ इसके बाद अंकित ठाकुर वर्सेस विकास खत्री। और इस समय भारत के मुक्केबाज पूरी तरह से हावी हैं अपने ओपोनेंट पर। और जहां तक चार राउंड के बाद स्कोर का सवाल है तो जज ए ने 38-38 जबकि जज बी ने चैलेंजर को, लेकिन जीत और हार किसके पक्ष में जाएगी ये तो फाइनल नतीजा। मुकाबला बहुत करीबी। ओ ये है भारत राजेश कुमार आता हुआ, मात्र 28 सेकंड का वक्त बाकी। दिया गया कि सावधानी बरतें, नजदीक आकर खेलें वाले हैं। लगातार प्रयासरत हैं अपर कट, और पर स्टैंड की अगर हम बात करें तो भारतीय मुक्केबाज बहुत ज्यादा अपने पैरों को खोल रहे हैं, मगर हो चुका है यहां पर दोनों ही मुक्केबाजों का बहुत ही सुंदर खेल कौशल नहीं है, दोनों ही तरफ से बिल्कुल नेट टू नेट बाउट चल रही है। मुक्का पे हैं भारतीय मुक्केबाज राजेश कुमार, इतना उनको देखने। सातवां राउंड चल रहा है, एक मिनट का खेल शेष है। ये बहुत सुंदर साइड स्टेप लेते हुए अब हुक का प्रयोग किया, लॉन्ग हुक का प्रयोग किया साइड स्टेप के साथ, बहुत सुंदर पुनः हुक का प्रयोग, 1-2-1 बहुत सुंदर अपर कट। फिलिस्तीन के मुख्य का प्रदर्शन, अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा खेल प्रदर्शन। शेल गार्ड रखकर अपने आप को भारतीय मुक्केबाज ने बचाया, मगर प्रत्युत्तर भी दिया, साथ ही काउंटर अटैक भी किया। लगातार प्रयासरत हैं फिलिस्तीन के राशिद, इनके पहले की अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की अगर हम बात, 10 राउंड तक चलेगा, 8वां राउंड इस समय चल रहा है, रनिंग है। और यहां पर बढ़त, और उसकी चुनौती को स्वीकार किया है भारतीय मुक्केबाज ने और प्रत्युत्तर दिया है। बिल्कुल, जितना कौशल, जितना खेल कौशल फिलीपींस के, तो कभी भारतीय मुक्केबाज फिलीपींस के मुक्केबाज हावी दिखते हैं। प्रो बॉक्सिंग के अंदर एक शानदार फाइट देखने को मिलती हुई पहुंचता हुआ, और पंचकुला के कॉम्प्लेक्स में प्रो बॉक्सिंग वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल यूथ टाइटल के लिए ये फाइट चलती हुई। भी आप लॉन्ग डिस्टेंस पे दूर हटके हुक और अपरकट करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको एक सही टाइमिंग पे सही दिशा, लम्हा आएगा जिसका सबको इंतजार है, क्या जीत भारतलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पंचकुला पर। हू हा जैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा खेल परिचय है। अतिरिक्त अंक देने की कोशिश नहीं करेंगे अपने ओपोनेंट को, और यहां पर कुछ मिलते हुए भारत आखिरकार किसके पक्ष में जाएगा, इसका नतीजा आने में सिर्फ 2 मिनट का समय शेष है। का लैंड होगा माथे से लेकर नाभि तक का टारगेट एरिया है, बिना किसी रुकावट के फुल फोर के साथ जब टारगेट एरिया पर लैंड होता तभी अंक प्रदान किए जाते हैं। 73 और J3 ने 78-74 इस मुकाबले की ओर अभी चलते हुए राउंड पे, 9वें राउंड पे बढ़त बना पक्ष में है अभी तक यह मुकाबला। बहुत ही सुंदर प्रहार, लगातार हुक और अपरकट, एक श्रृंखलाबद्ध निर्णायक मुक्के हैं ये, जोश ताकत
आपको जीत की ओर अग्रसर करता है। बहुत ही सुंदर प्रहार, बिना छोड़े बिना रुके लगातार प्रयास है भारतीय मुक्केबाज राकेश के, मगर तारीफ करनी होगी यहाँ पर फिलिस्पीन के। और वो ये सिर्फ और सिर्फ ये कि वह अपने प्रतिद्वंदी को नॉकआउट करें, मगर यह होगा भारत के पक्ष में हो सकता है वो निर्णय, क्योंकि टाइटल भी भारत जीते ऐसी हमारी कामना है, मेरी कामना है। 30 सेकंडों में देखना होगा कि अधिक अंक अर्जित करने के लिए भारतीय मुक्केबाज करता है। जो प्रहार है बहुत ही सुंदर प्रहार और एक अच्छी गेम, सुलझी हुई गेम, दोनों ही ओर से एक सुलझा खेल। और यहां पर रेड कॉर्नर इज द विनर भारतीय मुक्केबाज। Napaka-close ng laban, pero ang mga score ng judges parang medyo malayo, kaya medyo na-disappoint ang Pinoy na si Entirina. Bakbakan talaga mula sa simula hanggang matapos ang laban, pati nga matataas na opisyal bumilib sa nakitang laban. Sayang nga lang, at sa ibang bansa na naman naganap ang title fight na ito. So yan po ang gusto kong i-share sa inyo ngayong araw sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo. Kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, paki-like at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shout out kay Mr. Jerry Portuno, Jopet Hasildo, kay Mr. Alfonso Cortado, Madam B, at kay Ms. Bill Mahanfreyes, at kay Mr. Billy Jubildad ng Taguig at Pampanga. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.